काशी में जो गलियों में आपने घुमा, आपने बताया क्या खास रहा आपका एक्सपीरियंस काशी को लेकर? जी काशी का एक्सपीरियंस मैं एक शब्द में तो बयान नहीं कर सकता। काशी बहुत ही यहाँ लैंड होते ही इनफैक्ट एक बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग सी महसूस होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस जगह का एंड वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। काशी के बारे में बोला नहीं, यहाँ आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो कुछ आपने सुना था या कहानियों में पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? जी जिस तरीके से जो गंगा घाट है और हम अभी अस्सी घाट पे शूटिंग कर रहे थे तो एक बहुत प्राउड भी फील होता है क्योंकि हमारा इतना पुराना इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना पुराना धर्म है और हम जब गंगा नदी को इतनी साफ़ सुथरी हो गई है, मैं तो कहूँगा सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये देना चाहूँगा, और उसको देख के बहुत गर्व महसूस होता है एज अ भारतीय कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं और जेन्युइनली उसमें कुछ शक्ति महसूस होती है। अच्छा नाना पाटकर जी बताए कि अनिल शर्मा जी इतना व्यस्त रखते हैं उनको जी, खाना पीना नहीं खा पाते हैं ज़्यादातर बनारस की चीज़ों को, तो बनारस की ऐसी क्या चीज़ें आपको खाया कि वो आपको लुभा रही है? मुझे टमाटर की चाट यहाँ पे बहुत पसंद आई, बहुत यूनिक थी। उसके अलावा यहाँ की कचौड़ी सब्जी, यहाँ तो है यूपी में, आप आइए तो कहीं पर भी कचौड़ी सब्जी तो आप छोड़ नहीं सकते। और उसके अलावा बनारसी पान जो था पहली बार मैंने लाइफ में खाया एंड इट वाज सो टेस्टी कि मुझे उससे अवे रहना पड़ रहा है, ज़्यादा ना कंज्यूम कर लूँ। कचौड़ी जलेबी का स्वाद आपने? हाँ जी हाँ जी, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं जब आप उत्तर प्रदेश आते हैं, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं। आपने जीनियस मूवी की थी जिसमें कि धार्मिक और एक्शन दोनों मूवी थी जी, उसके बाद आपने गदर टू की जिसमें पारिवारिक और एक्शन रही जी, तो जो अभी मूवी कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है दर्शकों को? वो तो पिक्चर जब देखेंगे तब पता लगेगा, बट जब उसके ट्रेलर और बाकी सब चीज़ें आएंगी, बट मैं बस ये कहूँगा कि इस पिक्चर में इमोशन बहुत है, बहुत लाफ्टर है और आंसू भी उतने ही हैं। तो आपको क्या पसंद आता है, पारिवारिक, धार्मिक या एक्शन मूवी? मुझे अच्छी कहानियां पसंद आती हैं, वो मैटर नहीं करता जॉनर के। अब तक आप शूटिंग किए बनारस में, क्या क्या चीज़ पर देखने को मिली, क्या खास लगा? जैसे मैंने बताया यहाँ के यहाँ का खान पान मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जिस तरीके से जो हेरिटेज है वो मेंटेन रखा हुआ है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े रंगीन और बड़े इंटरेस्टिंग लगे। काशी जैसे लोग कहीं आपको और कहीं मिले? आपने कई जगह शूटिंग की होगी, प्रदेश में भी की होगी? जी उत्तर प्रदेश में बहुत शूटिंग की है मैंने, जीनियस में भी की थी, गदर में भी, लखनऊ में शूटिंग की एंड यहाँ पे मथुरा में जीनियस में की थी एंड यहाँ पे अभी शूटिंग कर रहे हैं हम बनारस में, तो यहाँ की बात कुछ अलग है, एक डिफरेंट आपको डेफिनेटली फील होता है, लखनऊ से भी अलग है, मथुरा से तो बहुत अलग है एंड जैसे ये हमारे राइटर हैं सुनील सरवैया जी, तो इन्होंने तो ये बहुत रूटेड पर्सन है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जिस तरीके से कहानी में लिखा है कैरेक्टर वगैरह, बड़ा यहाँ का ही फील होता है।